टीवीएस के शोरूम में और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ 160 अपाची आरटीआर 4V जो कि फ्यूल इंजेक्शन में लॉन्च हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रही अपाची 164V, आप देख सकते हो भाई, और बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। और ये रहा हेडलाइट सामने का, जो कि मैं अभी आपको दिखाया था क्लोज लुक में। और टैंक भी देख सकते हो आप, रेसिंग एडिशन वाला ग्राफिक्स दिया गया है यहाँ पे, और बाइक काफ़ी कूल लग रही है। तो गाइस पहले इसकी बात कर ले इंजन की, ये लिक्विड सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है 160 में। और इसकी सीसी की बात कर लें तो 159.7 सीसी की बाइक है, जो कि इसकी मैक्स पावर है 16.28 bhp और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 14.8 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें अब 4 वॉल्व के साथ आती है, तो 4 वॉल्व काम करेंगे इसमें। और ये आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी, और ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, तो काफ़ी पहले से बेहतर कर दिया गया है टीवीएस की तरफ से इसमें। और बताता हूँ मैं चेंज क्या हुआ है, जब कार्बोरेटर था तो ये चीज़ नहीं था यहाँ पे, तो अब इसको ढक दिया गया है। फ्यूल इंजेक्शन होने से इसका माइलेज भी बढ़ जाता है, पिकअप भी बढ़ जाता है, और इसमें 5-speed गियर बॉक्स है। और गाइस इसकी हेडलाइट की बात कर लें तो हेडलाइट आप देख ही सकते हो कितना कूल लग रहा है। एक्चुअली मैं इसके पास अभी मेरी चाबी नहीं है तो उसका DRL दिखा नहीं सकता, लेकिन एकदम मौसम हो गया है, आप देख सकते हो हेडलाइट इसकी। तो ये अप और मतलब लो बीम हाई बीम है, और लुक भी काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। दूर से देखने लगता है कि ड्यूक 250 है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। और इसमें इसकी टैंक की बात कर लें तो सेम ही है, 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, और 30 km माइलेज दे जाती है, उससे ऊपर ही दे जाती है। और इसका फ्यूल रेंज बता दूँ तो 360 किलोमीटर है, मतलब 360 किलोमीटर आप चला सकते हो उसको फुल टैंकिंग करवाने के बाद। और यही है इसमें खास, इसका टेल LED आप देख ही रहे हो, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सेम ही है। और इसकी बॉडी की बात कर ले तो सब फाइबर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूल इंजेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो कार्बोरेटर की जगह होती थी उसको हटा दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक कार्बन फिनिश दी गई है। और ऊपर की तरफ बात कर ले दोस्तों इसमें, क्योंकि इसका अभी मेरे पास चाबी नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो इसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट नहीं है, अभी नहीं आया स्मार्ट कनेक्ट, तो इसमें आएगा बाद में हो सकता है। तो और इसमें सुपर मोटो ABS दिया है, इसका मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन फ्रंट ABS है। और रियर ब्रेक का बता दूं तो रियर में रियर लिफ्टर है, जब आप ब्रेक मारोगे तो बाइक लिफ्ट नहीं होगी, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसकी मैं एग्जॉस्ट नोट सुना नहीं सकता क्योंकि इसके पास मेरे पास चाबी नहीं है अभी। और ये वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी बाइक 2020 में बिकेगी, तो चलिए इसका वेट करते हैं। इसका प्राइस अभी आया नहीं है हमारे सामने, लेकिन जब प्राइस आएगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है जैसा कि आपको दिखाया हूँ मैं, तो इसमें सिर्फ इसका ग्राफिक्स चेंज हुआ है, हेडलाइट चेंज हुआ है, और इसमें फ्यूल इंजेक्शन आ गया है, तो यही सब खास बातें हैं इस बाइक की। और रियर टायर और हर चीज़ जो ABS है कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।